नहीं मानना दे 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 पैगंबर मुआवजा भी कभी करना नहीं मानना। और बहुत से हजरात जो हैं वो इसी तरफ गए हैं, लेकिन बाद हजरात में असल में मुगालता हो गया लोगों को, उन्होंने पेशा बना लिया, प्रोफेशनल बन गए, तावीजों को बेचने का कारोबार करते हैं, उसमें पैसे मांगते हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा दिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि ऐ महबूब फरमा दीजिए कि मैं जो तबलीग करता हूं उसका तुमसे कोई मुआवजा नहीं होना। या कौमी, मुरसलीन का मकाम यही है, या कौमी इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुहुम अजरन वहुम मुहतदून, तो तुमसे मुआवजा नहीं मांगते थे पैगंबर, मुआवजा भी कभी नहीं मांगते। और बहुत से हजरात जो हैं वो इसी तरफ गए हैं, लेकिन बाद हजरात में असल में मुगालता हो गया लोगों को, उन्होंने पेशा बना लिया, प्रोफेशनल बन गए, तावीजों को बेचने का कारोबार करते हैं, उसमें पैसे मांगते हैं। और बाद बेवकूफ सीधे साधे लोग हैं, वो पैसा देते हैं और तावीज खरीदते हैं, तो खुद उनको सोचना चाहिए कि तुम अल्लाह का कलाम पैसा देकर उन्होंने खरीदा तो उसमें कितनी बरकत होगी, बरकत तो पहले चली जाती है, नीयत खराब हो जाती है, पैसा लाओ तो फिर लिखेंगे, पैसा लाओ तो फिर ताबीज देंगे, तो ताबीज फरोशी जो करते हैं, ताबीज फरोशी भी होती है और कब्र फरोशी भी होने लगी है। حضرت سلطان الحمد خادے خادے با معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کو دنیا اسلام کے اہل سنت کے مقتدا و پیشوا ہیں، جن کے دم قدم سے اجمیر کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لگا اور اس کی روشنی پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ یہ سلطان الحمد معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، उनकी खबर को भी लोग बेच रहे हैं, उनकी खबर को भी लोग बेच रहे हैं, उनकी खबर के लिए पैसे जमा करते हैं, उनकी खबर के लिए उनकी खबर पर चादर बेचते हैं और उनकी खबर पर तावीज बेचते हैं। वो ये नहीं करते, उन्होंने ये काम नहीं किया, उन्होंने तो हिंदुओं को मुसलमान किया, उन्होंने हिंदुओं के काले सीने को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर कर दिया, उनके दिलों में इस्लाम का चराग जला दिया। जब उनका इंतकाल हुआ, तो ये नहीं कि ताबीज लिख रहे थे और बिकने से रह गए, उनका इंतकाल हुआ तो सीद बिलगरामी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, जब हजरत का विसाल हुआ तो एक कमरा था, उस कमरे में बाल ही बाल थे भरे, चोटियां थी, हिंदुओं को देखा हुआ आपने चोटी रख ली थी सर पे, तो जब मुसलमान करते थे कलमा पढ़ाता तो चोटी काट देते थे, चोटी काट के कमरे में डाल देते। जो हजरत का विसाल हुआ तो 40 लाख से 4 मिलियन से ज्यादा हिंदू मुसलमान हो चुका था, उन्होंने कोई ताबीज बेचने का कारोबार नहीं, उन्होंने कोई जिन भूत उतारने का कारोबार नहीं किया, कारोबार कर रखा लोगों ने, धोखा देते पैसा लेते मानते, और बेवकूफ मुसलमान चाहिए, बेवकूफ चाहिए मुसलमान पैसे देता है, पैसे बेचता है, अपने ईमान को खराब करता है, वो कब्र को बेच रहे हैं। यहां तक सुल्तान ने खाले मोहिद्दीन चिश्ती ने नहीं किया था, अब देखिए घर बैठे कुछ लोगों ने डायरेक्टरी मंगवा ली है, लंदन की, पेरिस की, हॉलैंड की, यहां की, वहां की,
ڈائریکٹری منگوا دی ہیں, اس میں مسلمانوں کے ایڈریس دیکھ لیتے ہیں. ان مسلمانوں کے ایڈریس پر حضرت خواجہ غریب نواز کی طرف سے درخواست جاتی ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی پیسہ دے دیں. حضرت سلطان محمد الدین چشتی علی گڑھی پیسے مانگا کرتے تھے کسی دیر کے, کبھی میرے اس کے لیے پیسے دو, کبھی نہیں کیا. ان کو بدنام کرتے ہیں, اور اس طرح سے اسلام اور اہل سنت و جماعت بدنام ہوتے ہیں. لوگوں نے اپنے کاروبار بنا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اور آپ کو ایمان کی سلامتی کی توفیق عطا فرمائے.